Hello everyone and welcome back to my channel YouTube with Arpanavik. आज का वीडियो एक एक्सप्लोर वीडियो है ऑफ हांगकांग मार्केट का, जो कि सिलीगुड़ी में आता है और मे भी बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे और मे भी गए भी होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अपने साथ हांगकांग मार्केट लेके चल रही हूँ। आप भी मेरे साथ देख चलो और देखो कि वहाँ पे हमें क्या न्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं गेट नंबर 4 से एंट्री कर रही हूँ। यहाँ पे टोटल 4 गेट हैं, तो ये मैं 4 नंबर गेट से एंट्री कर रही हूँ। और जैसे आप एंट्री करोगे, स्टार्टिंग में बहुत सारे कपड़े के शॉप लगे हुए रहेंगे। यहाँ पे ये 100 रुपीज़ के सेल लगे हुए थे सैंडल के। साइड में बहुत सारे हम डिफरेंट डिज़ाइन के अम्ब्रेला, रेनकोट, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक कर, मतलब बड़े लोगों तक के साइज़ का रेनकोट यहाँ पे अवेलेबल था, वो भी अच्छी मतलब डिज़ाइनर पीस में। साथ में यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हैं सूज के और वॉच के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। और ये नॉर्मली जो फेक मतलब ओरिजिनल ब्रांड के फेक बना के ये सब यहाँ पे बेचते हैं और सस्ते होते हैं, ज़्यादा चलते नहीं, मे बी 6 मंथ काफ़ी है चल जाएंगे। ये जो रेनकोट लगे हुए हैं ये नॉर्मली 250 के थे। और इसके साथ में एक साइड में एक शोरूम था शूज़ का ये वाला, तो उन्होंने क्या किया था, जो शूज़ नहीं बिके थे या काफ़ी पुराने हो गए थे, उन्होंने उसे बाहर 100 रुपीज़ का सेल में निकालने के लिए लगा दिया था, जिसमें शूज़ थे, वेलीज थे, नॉर्मल स्लीपर थे, बहुत सारे वैरायटीज थे। यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक भर भर के देखने को मिलेंगे। मीन्स कॉस्मेटिक की इतनी सारी वैरायटी है, बट ये ओरिजिनल नहीं होती, फेक होती है। नॉर्मली इसी को से कहीं से खरीद के लोग शॉप में बेचते हैं और हम उन्हें ओरिजिनल समझ के ख़रीद लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल फेक थे, देखने से पता नहीं चलेगा। और ये जो आप इयर रिंग आपने देखा वो 20 रुपीज़ के थे। और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम एक शॉप देखा, मे बी वो वीकेंड पे उन्होंने लगाया होगा, जहाँ पे हर सामान 30 रुपीज़ का, हर सामान, ये जो मैंने हेयरबैंड अभी उठाया था वो भी 30 रुपीज़ का, और ये रबर बैंड ये भी 30 रुपीज़ का। मीन्स आप सोच लो, ये टॉयलेट पेपर 30 रुपीज़ के, जो कि बाहर आपको 200-300 से कम में नहीं मिलेंगे। फाउंडेशन, कंसीलर, इल्यूमिनेटर, मेकअप के जितने प्रोडक्ट हैं 30 रुपीज़, बैंगल, ब्रेसलेट, हाइलाइटर, बहुत सारे वैरायटीज़ थे यहाँ पे। और ये जो कप सेट देख रहे हो ये भी 30 रुपीज़ के थे। मीन्स आप यहाँ इस शॉप में आओगे तो मेरे ख्याल से आपका बिल तो 1000 रुपीज़ का बन ही जाएगा। मीन्स सामान अच्छे थे, टिकाऊ थे, मजबूत भी थे। ये यहाँ पे 100 रुपीज़ का स्टॉल लगा के रखा था इन्होंने टॉप का और वन पीस की वैरायटीज़ काफ़ी थी और काफ़ी अच्छी थी। साथ में यहाँ पे बली और जो शूज़ के स्टॉल लगे हुए थे 100 रुपीज़ ईच, कोई सा भी आप लोग 100 रुपये पड़ेंगे। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये जो बैग का इतना बड़ा सा स्टॉल लगा हुआ है, ये आप देख रहे हो सिर्फ 150 रुपीज़ का। कैन यू बिलीव, 150 रुपीज़ ओनली। कोई सा भी बैग लो आप, बिग साइज, स्मॉल साइज, स्लिंग बैग, कुछ भी लो आप, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का। तो चलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। और ये हैंडमेड बैग सिर्फ 100 रुपीज़ का, अगर आप बार्गनिंग करो तो मे बी और कम करके दे दें आपको। तो यहाँ पे इस टाइप के आपको बहुत सारे वैरायटीज़ मिलेंगी। मीन्स कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।